हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लंच रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, थाई करी विथ जास्मिन राइस। आप इसे बासमती राइस, ब्राउन राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। थाई करी दो तरह से बनते हैं, एक थाई रेड करी और एक ग्रीन करी। मैं थाई रेड करी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें ये सब सामग्री की जरूरत पड़ती है। पहले एक पेस्ट बनाते हैं हम। उसके लिए लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा, गलंगर, इसको थाई जिंजर भी कहते हैं, सब कुछ सुपर मार्केट में अवेलेबल है। नहीं तो आप अपने सब्जी वाले को एक दिन पहले बोलेंगे तो मार्केट से ला देता है। ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है। लेमन ग्रास, थाई जिंजर, प्याज, गार्लिक, टोमेटो, नींबू का छिलका। नींबू का छिलका हमें ऐसे निकालना है, ऐसे पील करना है जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट उसके साथ नहीं आए। नींबू के छिलके के नीचे एक व्हाइट पार्ट होता है, उसको छोड़ के सिर्फ ऊपर ऊपर का छिलका निकालना है, नहीं तो फिर कड़वा हो जाएगा। नींबू का जूस भी डालेंगे और हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच धनिया, हाफ चम्मच काली मिर्च साबुत, चार पांच लाल मिर्च सूखी, कश्मीरी लाल मिर्च को हमने पानी में बॉईल कर रखा है, ये डालेंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे कलर के लिए। ये थाई रेड करी में खूब सारी मिर्च जाती है। इन सारे सामान का हम पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे, गलंगल, थाई जिंजर, लेमन ग्रास, ओनियन, गार्लिक, टोमेटो, नींबू का छिलका, मिर्च पानी में बॉईल किया हुआ, धनिया, जीरा, काली मिर्च, हाफ नींबू का जूस, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसका हम पानी के साथ पहले पेस्ट बना लेंगे। ये हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए पनीर क्यूब्स में कटे हुए, येलो जुकीनी, ग्रीन जुकीनी, ब्रोकली, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च, नमक, बेजिल लीव्स, अगर घर में तुलसी का पत्ता हो तो उससे भी काम चल सकता है। इसके लिए नारियल को हमने मार्केट में जो नारियल कच्चा वाला मिलता है उसको घिस के गर्म पानी में एक घंटा भिगो लिया था, फिर पानी के साथ पीस के मलमल के कपड़े से छान के दूध को निकाल लिया है। आप बाजार में कोकोनट मिल्क पाउडर भी मिलता है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश नारियल के दूध का अलग ही स्वाद होता है। अब पैन में हम तेल डालेंगे। मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो मसाला डाल के मैं मसाले में मसाला जो पीस रही थी उसमें नमक भी डालते हैं, नमक के साथ पीसते हैं, नमक डालना भूल गई थी, तो अभी हम मसाला डाल के नमक डाल देंगे और मसाला को दो तीन मिनट भूनेंगे। मसाला भून गया है, अब पनीर को छोड़ के हम सारी सब्जियां डाल देंगे। आप पनीर के बदले में चिकन भी ले सकते हो,
और अपनी पसंद के कोई और सब्जियां भी ले सकते हो, जैसे मशरूम, बेबी कॉर्न, कुछ भी ले सकते हो। और सब्जियों को डालने के बाद सब्जी के गलने तक मसाला के साथ सब्जी को हम पकाएंगे, भूनेंगे। सब्जी पक गई है, अब पनीर डाल देंगे। नारियल का दूध डालेंगे। नारियल का दूध अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये सब्जी के टेक्सचर को क्रीमी करता है और थोड़ा सा मिठास लाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाल मिर्च आती है, तीखी होती है, इसीलिए दूध के साथ इसको बैलेंस किया जाता है। और दूध आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ी सी बेजी लीव्स इसमें डाल देंगे, थोड़ा लास्ट के लिए रखेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। ये मेरी थाई रेड कड़ी तैयार हो गई है। इसको हम जैस्मिन राइस, सैलेड और पापड़ के साथ थोड़ा देसी स्टाइल में खाएंगे। अगर आप सबको मेरे स्टाइल की भेज थाई रेड करी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें।